कौन नहीं चाहता कि वह अमीर बने, क्योंकि बिना धन के एक अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हर मनुष्य अपने शरीर से परिश्रम करता है धन कमाने के लिए, ताकि उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, घर पर खाने के लिए अच्छा भोजन हो, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र हो। ये सब चीजें पैसे से ही आती है, और मनुष्य अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है, तब कहीं जाकर के पैसा बनता है। लेकिन आपकी छोटी छोटी गलतियां पैसा आपके पास नहीं रहने देती। किया भी मेहनत बेकार होने लगती है, और जो पैसा हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, कहीं ना कहीं पानी की तरह धीरे धीरे वो सारा पैसा बहने लग जाता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पैसे वाले रहें, आप हमेशा अमीर रहें, तो आज मैं आपको बताऊंगा आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में क्या एक ऐसी बात बताई है जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो पैसा आपके पास कभी भी कम नहीं होगा। अगर आप ये एक गलती करते हैं तो आप लिख लीजिए कि आप चाहे लाखों रुपए भी कमा लें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। आचार्य चाणक्य एक बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं, और उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो सलाह है, अगर कोई मनुष्य उसका 1-2% भी अपने जीवन में उतार लेता है, उसको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो किसी मनुष्य को फर्श से आपको अर्श तक पहुंचा सकती है। तो आज मैं एक ऐसी ही नीति लेकर के आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसी ही बात बताने वाला हूं जो अगर आप ध्यान में रखते हैं, ऐसी गलती अगर आप नहीं करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो धन को आपके पास आने से रोक दे। तो साथियों, एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारी बहुत मेहनत लगती है। एपिसोड आप पूरा देखा करें ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके और आपको उपाय भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज के उपाय को मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पंडित नीति शास्त्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्म कर्म व्रत तीज त्योहार पूजा पाठ से जुड़ी हुई सबसे शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब भोलेनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर कहीं ना कहीं आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं, या आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं टिक पाता, या जिस टाइम पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत आपको होती है, उस टाइम आपका हाथ खाली का खाली रह जाता है। ऐसा होता है हमारी खुद की गलतियों के कारण। कई बार जाने में अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर आती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही बात बताने वाला हूं कि ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि आप दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको गरीब बना सके। आप हमेशा अमीर रहोगे, आपको हमेशा धन दौलत का सुख हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आचार्य
चाणक्य ने अपनी नीति में क्या एक ऐसी बात बताई है जो आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं पैसा हमेशा आपके पास टिक करके रहे, तो मेरे प्यारे भक्तजनों, जब भी हम भोजन करते हैं, अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि भोजन करने के बाद अपने मुंह को कुल्ला नहीं करते, अर्थात अपने मुंह को धोते नहीं है। बहुत बड़ी गलती होती है आपकी गरीबी का या आपके पास पैसा ना टिकने का। क्यों? क्योंकि जब तक भोजन करने के बाद हम अपने मुख को नहीं धोते, हम कुल्ला नहीं करते, तो हमारा मुंह ऐसे ही अशुद्ध रह जाता है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक अशुद्धि बरकरार रहती है। और अगर आपका यही रूटीन है, अगर आपकी यही आदत है कि आप भोजन के बाद कभी भी कुल्ला नहीं करते, तो अभी इस आदत को सुधार लीजिए, वरना आगे चल करके आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। ये आदत आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगी। जो लोग हमेशा भोजन करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करते हैं, मुख को अच्छी तरह से धोते हैं, वो हमेशा सुख शांति पूर्वक रहते हैं और उनकी कुंडली में भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं बनता। क्योंकि साथियों, अपने मन को, अपने शरीर को जितना ज्यादा हम निर्मल रखते हैं, जितना ज्यादा पवित्र रखते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी की गई पूजा पाठ भी भगवान स्वीकार करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा जब तक भी बढ़ता है, उतना ही ज्यादा हमारा पुण्य बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा भोजन करने के बाद कुल्ला जरूर करनी चाहिए, मुंह को कभी भी बासी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया है, लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।